नमस्कार, मैं हूँ वैभव शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। चलते हैं हापुड़ की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में थाना बहादुरगढ़ के गांव बिहुनी में पूर्व फौजी सौरभ शर्मा के आवास पर 7 जनवरी को एटीएस की रेड पड़ी थी। सूत्रों के हवाले से एटीएस टीम ने फौजी को हिरासत में लिया था। फौजी की माँ मधु शर्मा की माने तो 16 मई को उसका बेटा फौज से नौकरी छोड़कर आया था, क्योंकि उसके बेटे की किडनी फेल होने के चलते उससे नौकरी छुड़वाई थी। हापुड़ से नवीन गौतम की रिपोर्ट, देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। आपके बेटे का क्या मामला है पूरा, और कैसे कैसे लोग आपके पास पता नहीं क्या मामला, मुझे पता ही ना, ये तो समझ में नहीं। अच्छा, क्यों उसे बुलाएगा, क्या मामला है, क्यों क्यों परेशान में करे जा रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले भी ये लोग पूछताछ करने के लिए आए थे? पूछताछ कर रहे हैं, जासूसी कर रहे, गाँव में कर रहे, और जो हमें पता भी नहीं, बिल्कुल भी मेरे बालक को पता नहीं, मुझे पता नहीं। अच्छा, आपके बेटे ने कब नौकरी छोड़ी? 16 मई को आ गया यहाँ पे। अच्छा, क्या प्रॉब्लम थी उसको? किडनी में परेशानी, उसे किडनी है वो सुबह बता दो जो भी प्रॉब्लम। अच्छा, मतलब किडनी में परेशानी थी इसलिए आपने उसने परेशान ना करा। एटीएस वाले जो भी आए उन्होंने परेशान हमें ना करा। वो उनको मैं बिल्कुल मैं धन्यवाद कहना चाह रही हूँ, उन्होंने पता भी दिया, मुझे बताया भी नहीं। ठीक है, सुरक्षित है, सही है, मैं उनकी कोई बुराई बिल्कुल करना नहीं चाह रही, बिल्कुल भी। अच्छा, एटीएस अब क्यों परेशान, हमें क्यों करा जा रहा है यहाँ पे, ये ना बताओ। भाई कितने बंदे पूरे गाँव और कहीं पे मीडिया कहीं सब पूछ कर देखा मेरा बच्चा कैसा है, मैं कैसी हूँ, ये सब मुझे पूछ कर देखा। सब परिवार है, बढ़िया परिवार है। अबे अभी गांव में किसी फौजी के यहाँ कोई एटीएस टीम आई थी, क्या मामला है पूरा? देखिए, जैसे मुझे सूचना मिली, जो भी जानकारी मिली, तो मैं उस परिवार के घर गया, उनकी मम्मी से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि कल सुबह कोई फोन आया था और वो ये कह रहा था कल सुबह 8 बजे कि मम्मी मैं मेरठ जा रहा हूँ। उसके बाद उससे उनका कोई संपर्क नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ है वो, कैसे है। क्या इससे पहले भी कोई टीम आई थी गांव में? इससे पहले 15 दिन पहले एक टीम आई थी। अच्छा, हाँ जी, तो उसको अपने साथ ले गए थे, पूछताछ करी, वो छोड़ गया था गाँव में। किसे ले गए थे अपने साथ? ये सौरभ शर्मा है। कौन है? सौरभ शर्मा, पुत्र ओम दत्त। अच्छा, क्या सर्विस करता है ये? आर्मी में सर्विस करता था जी। अब छोड़ दिया? अब फिलहाल जानकारी नहीं।